हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में। ये कोई गार्डन नहीं है, लेकिन फिर भी इस गार्डन को जिन्होंने बनाया और जिन्होंने सींचा, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मेरी सासू माँ, उन्हीं का ये घर है। ये देख सकते हैं जहाँ तक थी बहुत सारा पेड़ पौधा लगाई हुई थी, लेकिन अभी वो सभी देख रेख के अभाव में यहाँ वहाँ हो गया। ये घर देखिए, पुराना घर है, अंग्रेज ज़माने का, देख सकते हैं पुरानी हवेली टाइप का है। और मैं दिखाने का पर्पस यही है कि उनका भी बागवानी में बहुत इंटरेस्ट रहता था, किचन गार्डनिंग किया करती थी वो। घर के पीछे जो मिर्च का पौधा मैं लगाया करता था, तो बहुत सेवा के बाद भी छोटा छोटा फल आता था। वो बिना सेवा किए हुए पता नहीं क्या करती थी, उनके हाथ में इतना जादू था कि इतना बड़ा बड़ा मिर्च इतना सारा एक बार में निकलता था। तो अभी उनके बिना तो ये घर आंगन सुना है, वो सदैव हमारी यादों में रहेंगी, दिल में तो हैं ही, लेकिन अब सिवा याद के कुछ भी नहीं। लेकिन आशा करते हैं फिर से घर में रौनक आए, क्योंकि कुछ पौधे हैं जो कि मैंने भी यहाँ दिए थे, लगाए थे। ऐसे देख लीजिए, रजनीगंधा का है, देखिए रजनीगंधा लगा हुआ है। ऐसे ये कनेल का फूल है, वाइट कलर में है, अभी ठंड के मौसम में इसकी पत्तियां झड़ चुकी हैं। बाल्टी में लगा हुआ है, देख लीजिए जुगाड़, बरगद लगा हुआ है। पीछे से मैंने ही सजेशन दिया था, पीछे से लाकर उसे काटकर बोनसाई भी मैंने ही बनाया। तो और भी पीछे का गार्डन है, क्योंकि पुराना घर है, बहुत सारे गमले उन्हीं के द्वारा लगाए हुए थे, जो कि अभी पौधे पानी ज़्यादा पड़ने के कारण सूख गए हैं। तो साथियों, ये दिखाने का पर्पस कुछ बड़ा गार्डन नहीं है, जिसको कि दिखाकर मैं आपसे व्यूज़ लेना चाहता हूँ। कोई भी मेरा प्रोफेशनल मंशा नहीं है या कुछ भी। आपकी इच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें, जो भी करें सब्सक्राइब करें। मैं कभी कहता नहीं और कहूँगा भी नहीं, अगर मैं अच्छा करूँगा, अच्छा इन्फॉर्मेशन दूँगा, तो आप ज़रूर करेंगे। क्योंकि कंटेंट, अभी का कंटेंट ये सिर्फ इंस्पिरेशनल कंटेंट है, कि किस तरह से आप लोग अपने खाली स्पेस में पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके, जुगाड़ करके भी अपने घर में किचन गार्डनिंग तो कर ही सकते हैं। धनिया लगा सकते हैं, मिर्ची लगा सकते हैं, मसाले वगैरह जो भी होते हैं, थोड़े बहुत जो कि कुछ सजावटी पौधे होते हैं, ये सब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप शुद्ध खाना खाएंगे। थोड़ा सा मान लीजिए अभी मिर्च नहीं है, यूँ तो खुद से जो उपजाया हुआ मिर्च है उसको लेकर आप खाएंगे तो बहुत ही दिल को सुकून मिलेगा, अच्छा फीलिंग आएगी, और स्वच्छ खाएंगे, कोई कीटनाशक उसमें नहीं रहेगा। खाद पानी का तो बात ही नहीं होता है घर में ज़्यादा। तो फूल लगा सकते हैं, पूजा पाठ तो हर कोई करते ही करते हैं, चाहे जिस धर्म से भी बिलोंग करते हों, फूल का महत्व तो हर कोई जानता है, चाहे वो हमारे जो भी हों। फूल सबों के लिए प्यारा चीज़ होता है। फूल के साथ साथ किचन गार्डनिंग करें, घर पर खाली जगहों में, बालकनी में, खिड़कियों पर, ये सब अच्छा रहता है। धन्यवाद साथियों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। फिलहाल ये जो यादें हैं मुझे, चूँकि मैं अभी यहाँ आया था तो उनकी याद आ गई, तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो मैं बनाता हूँ। ओके, अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ।